Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. कम जगह में अधिक से अधिक लोगों की रिहाइश और कम जमीन अधिकतम इस्तेमाल की प्रवृत्ति से भी कोविड संक्रमण को बढ़ावा मिला है। कोविड संक्रमण के तेजी से बढ़ने की वजहों में अब यह वजह भी शामिल हो गई है कि भवन निर्माण के तकनीकी विशेषज्ञों ने ही इन वजहों की ओर लोगों को ध्यान दिलाया है। उनका कहना है कि घर बेहद आसपास बनने लगे हैं। कम जगह होने की वजह से भवन निर्माण में वेंटिलेशन को लेकर समझौता किया जाता है। इसका सीधा प्रभाव लोगों की इम्यूनिटी पर पड़ा है। लोग प्राकृतिक हवा पानी से वंचित रह जा रहे हैं, इससे उनकी इम्यूनिटी कमजोर हुई है। इसी का खामियाजा कोविड संक्रमण काल में हमें भुगतना पड़ा है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र में एक एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर को गोद लें। MLA और MLC अपने विधायक निधि से स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने पर जोर दें। CM योगी ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति अधिकारियों को जागरूक करने को निर्देश दिए हैं। CM ने यह भी कहा है कि जनप्रतिनिधियों को भी टीकाकरण केंद्रों पर बुलाया जाए, जिससे लोग उत्साहित होकर वैक्सीन लगवाने आए। इस कोरोना काल में बहुत लोगों ने अपने को खोया है। माता पिता ने बच्चों का गम झेला, बच्चों ने माँ बाप का गम झेला, कितने नाते रिश्ते बिछड़ गए। सबसे बड़ी समस्या आज उन परिवारों में है जहां 2-3 सदस्य हैं और एक के भी आइसोलेशन में होने से परिवार मानसिक तनाव और पीड़ा का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती तो बच्चों के लिए है जो होम आइसोलेशन में है। सब पीड़ा को झेलने के बाद कहीं ना कहीं आज लोगों को जरूर संयुक्त परिवार की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि एकल परिवार होने का क्या नुकसान होता है आज सोचने पर विवश कर रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से बचने या उसके इलाज के लिए इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध नुस्खों को नहीं अपनाएं और डॉक्टरों की सलाह पर ही कोई दवा लें। ज्यादा लोगों को समस्या इसलिए भी हो रही है कि वो इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध नुस्खों के हिसाब से दवा लेने लगते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह पर लोग जिंक ले रहे हैं, इससे किडनी को नुकसान पहुंचता और उल्टी भी होती है। लोग विटामिन सी का भी अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं जो कई तरह की समस्याएं पैदा करती है। इसे सिर में दर्द और पेट में ऐंठन होती है। इसी तरह विटामिन डी का ज्यादा सेवन करने से दस्त, चक्कर आना और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि बिना चिकित्सक की सलाह पर अपनी तरफ से कोई दवा या विटामिन नहीं लेना चाहिए। गोरखपुर में एक कोरोना टेस्टिंग लैब की घपलेबाजी सामने आई है। बेतिहाता में स्थित पैथोवा डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से चल रहे लैब को कोरोना टेस्टिंग की अनुमति दी गई थी। लैब शासन के पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने में घपलेबाजी करता रहा। पॉजिटिव आने वाले केसों को भी शासन के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। जानकारी सामने आने के बाद लैब का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। पूरे देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। दिल्ली में 24 घंटे में संक्रमण के नए मामलों की संख्या घटकर 1600 तक हो गई है, तो यूपी में यह संख्या 5000 से भी नीचे आ गई है। अभी ज्यादातर राज्यों ने अपने यहाँ 30 से 31 मई तक लॉकडाउन घोषित किया हुआ है, लेकिन यही ट्रेंड बना रहा तो 31 मई के बाद आंशिक हिस्सों में लॉकडाउन खोलने की शुरुआत हो सकती है। लॉकडाउन खोलने के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग कमजोर बनी हुई है। यास तूफान 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लैंडफॉल करने की उम्मीद है। इन दोनों राज्यों के अलावा इस चक्रवाती तूफान का असर अंडमान निकोबार के उत्तरी क्षेत्रों और तमिलनाडु में भी होने की आशंका है। यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सशस्त्र सेनाएं भी पूरी तरह चौकस और तैयार हो गई हैं। बंगाल की खाड़ी में यास चक्रवात की आशंका से राज्य स्थानीय प्रशासन के साथ साथ NDRF, कोस्ट गार्ड, नौसेना, वायुसेना और थल सेना भी पूरी तरह से सतर्क है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए अपनी टीम तैनात करनी शुरू कर दी है। विशाखापट्टनम स्थित INS डेका और चेन्नई स्थित INS राजाली एयरबेस पे हेलीकॉप्टर्स और टोही विमानों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों पे एरियल सर्वे के साथ साथ एयर ड्रॉप के जरिए जरूरी सामान पीड़ित लोगों तक पहुँचाया जा सके। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स को कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए भी तैयार रखने का आदेश दिया गया है। NDRF ने भी ओडिशा में 18 टीमें तैनात कर दी गई है, जबकि 4 टीमें रिजर्व में रखी गई है। पश्चिम बंगाल में भी NDRF की 5 टीमों को वायुसेना के एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट कर कोलकाता पहुंचा दिया गया है। साइक्लोन की वजह से 25 मई को ओडिशा बंगाल में, 26 मई को ओडिशा
झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की आशंका है। विभाग ने यहां अलर्ट जारी किया है, तो वहीं गोवा में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर और सहारनपुर में भारी बारिश की आशंका है, जबकि लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज और सुल्तानपुर, वाराणसी में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पश्चिमी और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। यूपी के सीतापुर में डबल मर्डर, बुजुर्ग दंपति को ईंट से कूच कूच कर दी गई निर्मम हत्या। अज्ञात हमलावरों ने घर के अंदर दिया नृशंस हत्याकांड को अंजाम। संपत्ति को लेकर हत्या किए जाने की आशंका। एसपी सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। खुलासे को लेकर एएसपी के नेतृत्व में टीम गठित। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में औसत प्रदर्शन के बाद और कोरोना की दूसरी लहर से बदली परिस्थितियों के कारण बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बेहद चिंतित है। चिंता का मुख्य कारण यह है कि राज्य में अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं। देश के सबसे बड़े राज्य होने के कारण राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी और संघ के प्रमुख लोगों ने बैठक और मंथन का दौर शुरू कर दिया। इसी क्रम में कल बैठक हुई और इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और राज्य के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने हिस्सा लिया। इस दौरान होसबोले ने संघ के प्रचारकों द्वारा दिए गए फीडबैक से पार्टी नेताओं को अवगत कराया। अब संगठन के साथ साथ पूरी सरकार को मैदान में उतरकर लोगों से संपर्क करने का निर्देश दिया जाएगा। योग बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों में घिर गए। बाबा ने पहले बयान दिया था कि एलोपैथी बकवास है। इस बयान पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य लोगों द्वारा बाबा पर मुकदमा चलाने तक की मांग किया। फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बाबा को पत्र लिखकर बयान वापस लेने को कहने पर बाबा रामदेव ने बयान वापस लेकर सफाई दी कि उनका मतलब एलोपैथी में हो रही दलाली से था। अब सोशल मीडिया पर योग गुरु की जमकर आलोचना हो रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों को ग्लोबल टेंडर जारी कर सीधे विदेश से वैक्सीन थोक ऑर्डर लेने को कहा है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कुछ राज्यों ने विदेश से सीधे वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए हैं। मधुमेह से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा सबसे अधिक होता है। इससे बचने के लिए शुगर नियंत्रण में रखना चाहिए। ब्लैक फंगस संक्रमण त्वचा से शुरू होकर शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। इसमें आंखों को अधिक नुकसान पहुंचता है। इलाज के तौर पर ब्लैक फंगस संक्रमित मरीजों की मृत और संक्रमित ऊतकों को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है। इसके लिए मरीजों का ऊपरी जबड़ा या आंख निकालना भी पड़ सकता है। मुंबई अपराध शाखा यूनिट 7 से मुंबई के बांद्रा इलाके से दो ट्रक पेडलर को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक 75 वर्षीय महिला भी शामिल है, जिसके पास से 1 करोड़ रुपए के मूल्य से ज्यादा की चरस बरामद की गई है। ड्रग पैडलर के पास से 3 किलो 800 ग्राम मनाली चरस बरामद की गई है। पकड़े गए पदार्थ की कीमत 1,18,80,000 रुपए है। सीबीआई भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के चीफ का इंतजार अब जल्द समाप्त हो सकता है। सीबीआई का नया प्रमुख चुनने के लिए आज बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश एनवी रमना और लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे। सीबीआई प्रमुख का चयन करने के लिए होने जा रही इस बैठक में उन नामों पर चर्चा होगी जो इस पद की रेस में हैं। सुरक्षा बलों ने दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 8 उग्रवादी मुठभेड़ में ढेर कर दिए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक यह मुठभेड़ नागालैंड सीमा से सटे पश्चिमी कर्बी आंगलोंग जिले में हुई। इससे पहले पुलिस ने उग्रवादी हमले के बाद जवाबी फायरिंग में इस प्रतिबंधित संगठन के 6 सदस्यों के मारे जाने का दावा किया था, क्योंकि 2 अन्य उग्रवादियों के शव तब तक बरामद नहीं हो सके थे। अमेरिका में गोलीबारी की 2 घटनाएं हुई है। पहली घटना न्यू जर्सी स्थित फेयरफील्ड टाउनशिप में हुई, जहां एक घर में पार्टी के दौरान गोलीबारी हुई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हैं। वहीं दूसरी घटना ओहायो के यंगस्टाउन के एक बार के बाहर हुई। यहां पर हुई गोलीबारी में 3 लोग मारे गए, जबकि 3 लोग घायल हैं। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।